हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं वनीला आइसक्रीम फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हाफ लीटर दूध को अच्छे से बॉयल कर लिया है और थोड़ा सा दूध मैंने एक बाउल में निकाल लिया है जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। तो फ्रेंड्स, ये जो बाउल में हमने दूध निकाल रखा है इसमें हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, कोई लम्स ना रह जाए। दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर को मैंने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है और अब ये जो यहाँ पे हम दूध बॉयल हो रहा है इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है फ्रेंड्स। उबलते हुए दूध में हम ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में मिक्स किया था वो हम इसमें मिला देंगे और इसको 2 से 3 मिनट चलाते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद। और ये जो कस्टर्ड पाउडर है फ्रेंड्स, ये भी वनीला फ्लेवर ही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं इसको लगातार 2 से 2.5 मिनट चलाती रही हूँ ताकि नीचे से ये जल ना जाए। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो अभी हम इसको पहले रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। फ्रेंड्स, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है हमारा ये जो मिक्सचर है। तो अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम आइसक्रीम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं और इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बिल्कुल चिल्ड फ्रेश हुई घर की मलाई है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये मिक्सी जार ले लिया है और अब मैं इस मिक्सी जार में ये बिल्कुल चिल किया हुआ जो हमारा ये आइसक्रीम का बैटर है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैं ये जो मलाई है वो भी इसमें डाल दूँगी मिक्सी जार में साथ में ही। तो मलाई मैंने डाल दी है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल दूँगी और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए मिक्स फ्रेंड्स मैंने सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्सी जार में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा टिफ़िन है तो मैं इसमें इसको सारा डाल देती हूँ। ये जो इसका ढक्कन है इससे हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे और इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख। मैंने 7 से 8 घंटे बोले थे बट मैंने जब इसको चेक किया था 3 से 4 घंटे के बाद तो ये अच्छे से आइसक्रीम जम गई थी हमारी, 3 से 4 घंटे में ही अच्छे से जम गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से जम चुकी है और इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे निकाल दिया था। तो अभी फ्रेंड्स हम इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्सी जार में अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि जमने के बाद जब हम दोबारा इसको मिक्सी जार में मिक्स करते हैं तो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्सी जार में। अब हम इसको उसी डब्बे में दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हम इसको पहली बार जमाए थे और इसको हम फिर से ऐसे अच्छे से बंद करके दोबारा से इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और 3 से 4 घंटे के बाद चेक करते हैं। फ्रेंड्स, 4 घंटे हो गए हैं तो मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। तो आइए अब हम इसको सर्व कर लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वनीला आइसक्रीम को बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो आप भी इस बार समर में ऐसा ही वनीला आइसक्रीम बनाइए। बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत ही कम सामग्री में ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है।
एक बार आप इसको वनीला आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।